साथियों नमस्कार, मैं अमित मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिटिंग नॉलेज विद अमित में। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस के अंतर्गत ये क्लास टू लेकर के मैं आया हूं, जिसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसे आप देख रहे हैं और नोट्स होना है। मित्रों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आर ओ से संबंधित प्ले लिस्ट है हमारी, चाहे जीएस की हो या हिंदी, को सारी शेयर कर दूंगा, आप उससे जाके देख सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा, जो आप उससे ज्वाइन करके ऐसा माहौल क्रिएट करें जो कि तैयारी हम लोगों को अच्छी खासी होने लगे। सभी लोग टेलीग्राम लिंक पे जुड़ेंगे, उसमें पीडीएफ भी शेयर कर दिया करूंगा, जिससे आप लोग लाभान्वित हो सकें। चलिए मित्रों, हम लोग अपना शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस जो आता है, 10 क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सारी आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, अंत का अभी लाइक कर दें, जो कि अंत तक आप भूल जाते हैं। लाइक करने से थोड़ा सा हमें इंप्रेशन मिलता है। मित्रों, बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, वो निभाई थी चित्तू पांडे ने निभाई थी। इनका एक और था कि बलिया में समानांतर सरकार भी इन्होंने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष बने थे। कौन? चित्तू पांडे। सबसे पहले समानांतर सरकार कहां बनी थी? बलिया में चित्तू पांडे ने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष चित्तू पांडे थे, इनके नेतृत्व में बनी थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? उत्तर प्रदेश की बात यह है तो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम मेरठ से हुआ था। वो कब हुआ था? 10 मई 1857 को। ये ध्यान रखें, सैनिक विद्रोह, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, कारतूसों की चर्बी की वजह से, जो गाय के और उसकी भेड़ की वजह से चर्बी से बनता था, इसलिए यहाँ सैनिक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे भी आप याद करें, ये आए हुए क्वेश्चन है और मोस्टली ये रिपीटेड भी रहते हैं, कुछ अतिरिक्त भी क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मित्रों, लाइक अवश्य कर दिया करें। तो अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड षड्यंत्र कब हुआ? इसे भी आप याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 9 अगस्त 1925 को। इस डकैती में शामिल कौन कौन था? इस डकैती काकोरी जो थी, सहारनपुर से लखनऊ के लिए जो ट्रेन जाती थी, उसमें बीच में काकोरी पड़ता है, काकोरी स्टेशन है अब तो, वो जगह का नाम काकोरी है। वहां पर एक डकैती हुई थी ट्रेन में, अंग्रेजों की ट्रेन का खजाना लूटा गया था। उसमें कौन कौन शामिल था? आशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मन्मथनाथ गुप्त, रामप्रसाद बिस्मिल, ये लोग शामिल थे इसमें। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से काकोरी कांड में कौन सम्मिलित नहीं था? तो जो सम्मिलित था वो हमें याद कर लेने हैं, अपने आप से आगे हो जाएगा। अगला है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? यानी सबसे पहले तो ये 2013 के आरओ में प्रश्न आया था कि चौरी चौरा कहां था, हमें याद कर लेना है गोरखपुर में है। तो चौरी चौरा कहां है? गोरखपुर में है। और यहां हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। यह भी हमें याद करना, यह भी आया हुआ है पीसीएस में। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में तो बेगम हजरत महल ने किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो सर्वाधिक संख्या जो थी अवध से थी, सर्वाधिक संख्या कहां थी? अवध क्षेत्र से। चलिए इसके अंतर्गत हम थोड़ा और देखते हैं, अल्फ्रेड पार्क जहां चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी, वो इलाहाबाद में है। कहां ये पूछा जाता है? कहां है? तो इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज है, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज, जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, फैजाबाद जिला, वैसे ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना, तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना वो भीतरगांव का मंदिर है, जो कि कानपुर में स्थित है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, ये सबसे पुराना मंदिर भी इसे हम मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एतमादौले के मकबरे का निर्माण किसने कराया? एतमादौले मकबरे का निर्माण नूरजहां बेगम ने कराया था। इसने नूरजहां बेगम, जिसने इत्र बनाने की भी खोज की थी नूरजहां बेगम ने। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा पहली बार विकास हुआ? तो ये मथुरा कला शैली में। बुद्ध की प्रतिमा का जो सर्वप्रथम विकास हुआ है, वो मथुरा कला शैली में विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कहां है? तो ये मित्रों आपको मालूम होगा आगरा में।
बुलंद दरवाजा कहाँ, फतेहपुर सीकरी में, जो कि देखिए ताजमहल आगरा में है लेकिन शाहजहां ने बनवाया, ये भी याद हमें करना है। और बुलंद दरवाजा कहाँ, फतेहपुर सीकरी में, किसने बनवाया, अकबर ने। और वो किस लिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब गुजरात में उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण बुलंद दरवाजा का किया था फतेहपुर सीकरी में, किसने, अकबर ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, चौखंडी स्तूप सारनाथ में, जेके मंदिर कानपुर में, राधा स्वामी मंदिर आगरा में, भारत माता मंदिर, यूपीसीएस में आया है पिछली पीसीएस में, भारत माता मंदिर कहाँ है, वाराणसी में, भारत माता मंदिर वाराणसी में है। अटाला मस्जिद कहाँ है, अटाला मस्जिद वाला कई बार आया, जौनपुर में। और इसे बनाया किसने, सरकी शासकों ने, सरकी शासकों ने बनाया, जिसका नाम है इब्राहिम शाह सरकी ने इसे पूरा कराया है, इब्राहिम शाह सरकी ने इसे पूरा कराया है। और जौनपुर में है अटाला मस्जिद, और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं, जौनपुर नगर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ झांसी, दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ झांसी, दशावतार मंदिर, ये भी आया हुआ। अब ये संस्थान दिए गए, स्थापना दिए गए किसने किया था, फतेहपुर सीकरी तो पहले हो ही चुका है, फतेहपुर सीकरी आगरा ने, जौनपुर सिटी रोज शाह तुगलक ने, आगरा सिटी यानी आगरा स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने 1526 में, और जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने पूरा कराया। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही मोस्टली आए हुए क्वेश्चन, बाबा बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। और इखलास खान का रोजा, ये पिछली पीसीएस में आया, इखलास खान का रोजा यानी मकबरा कहाँ है, बदायूं में, इखलास खान का, इखलास खान का मकबरा या रोजा कहाँ है, बदायूं में। अगला हम देखें, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो मेरठ में, आभूषण बाजार कहाँ है, मेरठ में, आभूषण बाजार कहाँ है, मेरठ में। आप देखिए कुछ निरत है इंपॉर्टेंट, ये अक्सर रिपीटेड हैं और आते रहते हैं, कठफोड़वा निरत पूर्वांचल में, कर्मा निरत सोनभद्र में है, खरवार जनजात द्वारा किया जाता है, कर्मा निरत कहाँ का है, सोनभद्र का, और खरवार जनजात द्वारा किया जाता है। चरकुला निरत अक्सर पूछा जाता है, चरकुला निरत ब्रिजवासियों द्वारा किया जाता है, ब्रिज क्षेत्र का है ये। और रास निरत ये भी ब्रिज क्षेत्र का है, ब्रिजवासियों द्वारा किया जाता है रास निरत, चलो रास रचाते हैं कहते हैं ना। अब भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये भी आया हुआ है, तो ये लखनऊ में, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में है। और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, नौटंकी, नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। इसके बाद हम देखते हैं, टेराकोटा घोड़े उत्तर प्रदेश के किन राज्यों की पहचान है, तो टेराकोटा ये आप याद कर लेना, टेराकोटा घोड़े गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के। पीतल का काम कहाँ होता है, पीतल के बर्तन बनते हैं मुरादाबाद में। कालीन कहाँ बनाई जाती है, मिर्जापुर में। और चूड़ी उद्योग या स्वाग नगरी किसे कहते हैं, फिरोजाबाद को, चूड़ी उद्योग सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में है। और इत्र उद्योग कन्नौज, और नक्काशीदार लकड़ी का सामान सहारनपुर। सब इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार आए हुए हैं। अब प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये भी पीसीएस में आया हुआ है, तो ये वाराणसी में, ये दोबारा से देखने से, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी। लखनऊ में प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया, तो ये है यानी कलाकारों को जो सुविधाएं प्रदान की गई, कैसे, ललित कला अकादमी कहाँ पे है, ये लखनऊ में, ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ, ये भी पूछा जा सकता है। तो उल्टा सीधा करके हमें बढ़िया से देखना है मित्रों, ये कुल लगभग 40 से 45 क्वेश्चन है। कैसे लगे, आप वीडियो लाइक अवश्य करें, हो सके तो कमेंट भी कर दिया करें मित्रों। जय हिंद मित्रों।